जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस के री एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए एक सूचना आ गई है। उनको एडमिट कार्ड को लेकर के भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नोटिस आ गया है। और वो नोटिस किसका है? वो नोटिस है आपका जो परीक्षा के जो जनपद होंगे उसके आवंटन की अग्रिम सूचना को लेकर के, यानी कि उसको लिंक को लेकर के। उसमें जो आपका एडमिट कार्ड होगा उससे पहले ही आपकी जो जनपद की जो सारी सूचना आपको बता दी जाएंगी कहाँ पर आपका एग्जाम है। तो देखिए ये जो नोटिस है इसको वैसे मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, लेकिन यहाँ भी आपको बता दे रहा हूँ, उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। ये आपके लिए आया है और ये आज का, ये 15 अगस्त का ही इसमें लिखा हुआ है। मतलब इसमें पहले तो सबसे ऊपर डेट है, 67 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 23, 24, 25 और 30 अगस्त, 31 अगस्त को 10 बजे से 12 बजे तक सुबह और 3 बजे से शाम 5 बजे तक का। आपको पता है प्रत्येक दिन दो दो पालियों में आपका एग्जाम होगा। जो सबसे जो मुख्य पॉइंट है, सबसे पहले सुनिए कि सभी अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की तिथि एवं जनपद नगर की सूचना का लिंक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 16 अगस्त यानी कि कल दिनांक 16 अगस्त को सायं 5 बजे प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना पंजीकरण संख्या एवं जन्म तिथि के माध्यम से लॉगिन करके, क्या क्या दोबारा सुन लीजिए, पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि के माध्यम से लॉगिन करके अपनी लिखित परीक्षा के जनपद नगर सूचना पर्ची को डाउनलोड करके चेक कर लें, यानी कि उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो एग्जाम है वो कौन सी जगह पर है। अभ्यर्थी इसमें दिए गए निर्देशों के साथ साथ इस भर्ती की विज्ञप्ति दिनांकित 23 दिसंबर 2023 को भी पढ़ लें, यानी कि दोबारा सुन लीजिए, ये जो आपका जो डाउनलोड होगी पर्ची, इसमें आपके लिए सिर्फ क्या बताया जाएगा, परीक्षा जनपद, ठीक है, इसमें ये चीज़ बताई जाएगी। अगला पॉइंट है आपका कि अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, यह आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं होगा, ठीक है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए यह उस जनपद के आवंटन के लिए एक अग्रिम सूचना है जहां परीक्षा केंद्र स्थित होगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। अब बात आती है कि हमारा जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा, फिर जिसमें डेट भी होगी, परीक्षा केंद्र भी होगा, कॉलेज का नाम भी होगा, ठीक है। तो वो इसमें लिखा हुआ है, आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र अभ्यर्थी की परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के 3 दिन पहले बोर्ड की वेबसाइट पर निर्गत किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आपका एग्जाम होगा, मानो आपका एग्जाम 23 को है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो विद कॉलेज की डिटेल नाम के सहित आपका 20 तारीख को आ जाएगा। जैसे कि आपका होगा, जैसे आपका हुआ 30 तारीख को, तो फिर 3 दिन पहले आपको 27 को आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड आएगा। आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसको भी आप अपना पंजीकरण संख्या तथा जन्म तिथि अंकित करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु लिंक तत्समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। नीचे है, यदि किसी उम्मीदवार को आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची को डाउनलोड करने जांचने में कठिनाई आती है, तो वह हेल्पलाइन नंबर 8867786192 या 9773790762 पर संपर्क कर सकता है। भर्ती बोर्ड की ओर से यार मतलब आपके लिए बहुत सारी सुविधा की जा रही है। शायद मेरे हिसाब से ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना, अगर आपका कुछ ऐसी समस्या आ रही है तो इस पर संपर्क कर लेना। कल आपकी पर्ची डाउनलोड होगी, उसमें सिर्फ आपका जनपद बताया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह सूचना अभ्यर्थियों के सूचना प्रकाशित की जा रही है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नवीनतम अपडेट व अग्रेतर महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों की परीक्षा संबंधी समस्त सूचना निर्देश बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही प्रदत्त की जाएगी। तो साथियों बहुत अच्छी अपडेट है आप सभी के लिए, यानी कि आपके जो जनपद की सूचना है कल आप निकाल सकेंगे सिर्फ पंजीकरण संख्या से और जन्मतिथि से। इसी से ही आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा पूरी डिटेल से, लेकिन वो निकलेगा आपके एग्जाम से 3 दिन पहले। अगर आपका, मान के चलो आपका 23 तारीख से एग्जाम है, अगर आपका जो एडमिट कार्ड है 20 तारीख को नहीं निकल, तो आप ये सोचना कि हमारा जो एग्जाम है वो 23 तारीख को नहीं है, अगली किसी और डेट में होगा, ठीक है। तो यही सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा। वीडियो को एक बार लाइक करो और सुनो, किसी भी तरीके से घबराई मत, आपकी मेहनत पर और अपने किए हुए नोट्स पर, बनाए हुए नोट्स पर, अपनी मेहनत पर विश्वास करिए। जो भी किया है आपने वो एकदम बेस्ट किया है, अच्छा किया है, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, सब कुछ बढ़िया हुआ। खुद पर, खुद की मेहनत पर विश्वास करिए, बस खुद पर और ऊपर वाले पर विश्वास करके जाना, एग्जाम में अच्छा होगा, टेंशन किसी भी तरीके से लेना मत। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।